और ये होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक नए न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सीएम इंस्टीट्यूट की फर्स्ट फेज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट खत्म हुई है, उसके बाद सिनेरियो क्या है एंड आपको आप भी क्या करना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फेज। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आप देख सकते हो कितनी कंपनीज ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, सारी कंपनीज के लोगो है एंड हाईएस्ट पैकेज जो कैंपस में गया है वो 22 लाख का है। एवरेज पैकेज जो कैंपस में मिला है वो 10 लाख का है। ये कैंपस प्लेसमेंट का रिपोर्ट है फर्स्ट फेज का। एंड अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन किन किन कंपनीज ने कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट है कंपनी एंड रीजन वाइज कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है और उन्हें क्या पैकेज ऑफर किया गया है। तो जो मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं तो एसेंचर है, एसेंचर ने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है कैंपस प्लेसमेंट में वेरियस लोकेशन से, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई हो, या चेन्नई हो, या फिर दिल्ली हो। एंड जो एवरेज पैकेज एसेंचर में है वो 10 लाख का है एंड मैक्सिमम पैकेज 22 लाख का गया है। आप यहाँ देख सकते हो एसेंचर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर से, जिसमें मैक्सिमम पैकेज 5 स्टूडेंट्स को मिला है कोलकाता से। बाकी अदर कंपनीज ने भी स्टूडेंट्स को हायर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कैंपस में भी देखो 5 लाख 6 लाख का पैकेज आपको ऑफर हुआ है। ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को 10 लाख और 22 लाख का पैकेज मिला है। मेरा कहने का सेंस यही है कि आप अभी सेकेंड फेज ऑफ कैंपस 2-3 महीने बाद होगा एंड आप उसका वेट कर रहे हो। तो आई थिंक अगर अगर आप एमएनसीज को अगर आप देखो, एसेंचर हो गई, जेनपैक्ट हो गई, बीप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, अगर आप इन सब में ट्राई करोगे तो आई थिंक यहाँ पे आपको ऑफ कैंपस भी 5 से 6 लाख का पैकेज मिल सकता है। अगर आप डेफिनेटली अगर आपने पास्ट में काम की है, आपको चीजें आती है, यहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आफ्टर दिस आप वेट मत करो, आप जॉब के लिए ट्राई करते रहो। बिकॉज जब ये मेन कैंपस प्लेसमेंट था, इसमें आपका नहीं हुआ तो शायद एक्सटेंडेड कैंपस प्लेसमेंट में कितनी कंपनीज पार्टिसिपेट करेगी एंड कितने स्टूडेंट्स को लेके जाएगी, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है। एट द एंड यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप ट्राई करते रहो जॉब के लिए। अगर हो सके, अगर आपको ऑफ कैंपस ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो फिर आप कैंपस की वेट मत करो, आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है। आप 2-3 महीने भी अगर आपको नहीं जॉब मिलता है, आपको ऐसे बैठना पड़ता है, तो आपके कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लॉस है। प्लीज आप अपने आप में नेगेटिव मत सोचना कि आपका कैंपस नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, कैंपस नहीं हुआ तो भी बहुत कुछ है। अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा।